पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। वही रांची में जमीन घोटाले को लेकर जो है उन्होंने कई बातें कही है। अब तक के सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रही है कि जमीन का घोटाला बड़े पैमाने पर इस सरकार में हुई है। क्या कुछ आरोप लगाया गया है सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा, वही दूसरी तरफ मंत्री सत्ता पक्ष के मिथिलेश ठाकुर ने घोटाला है जो पूर्व के यहाँ डीसी थे छवि रंजन जब पदस्थापित थे, सरकारी जमीन हो यानी घर मजूरा जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, सरकारी जमीन हो, यहाँ तक छोड़ दीजिए कि जो हमारी सेना है जो देश की प्रहरी होते हैं उनकी जमीन को भी इधर उधर करके उस लोगों ने बेच डाला है और उसकी भी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पड़ा हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन भी उस जमीन के यानी उस पर जांच होगी तो अभी तक झारखंड में जितनी भी घोटाला के हम सब लोगों ने सुना है ये सारे घोटाला को पीछे छोड़ देगी। यानी इस प्रकार की जमीनों की यहाँ लूट हुई है इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम आज कहें झारखंड में लुटेरों की सरकार है, लूटने के लिए पदस्थापित है और लूटने के लिए भ्रष्ट अफसरों को, चार सीटेड अफसरों को जगह जगह पर सरकार ने मुख्यमंत्री ने पदस्थापित कर रखा है ताकि तुम भी लूटो और लूट का 50, 60, 80 जहाँ जैसा बनता हो वैसा वसूल करो, यही इस राज्य में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी कही, मैं कहूँगा इतने सम्मानित इतने वरिष्ठ हैं मुझसे कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उनकी स्थिति सही नहीं है, संतुलित नहीं है। वो जो भी कहते हैं अब एक कहा जाए तो ऐसे अच्छी मानसिक जो उनकी स्थिति है उसमें नहीं कहते हैं, वो अब थोड़े बौखलाए हुए हैं क्योंकि 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वो नेता प्रतिपक्ष की ओर कुर्सी की ओर बहुत कहा जाए तो बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो उनके उनकी बातें इस तरह की होंगी। लेना देना नहीं है, जो बातें हैं वो बैठकर की जा सकती हैं, सदन के अंदर की जा सकती है, सदन के अंदर उन्हें जवाब मिल सकता है, लेकिन ये हंगामा करके चाहते हैं कि हम अपना चेहरा चमकाएं, तो ये तो सदन आहूत सदन के बाहर हंगामा करने के लिए नहीं होता है, सदन आहूत होता है सदन के अंदर बातें रखने के लिए, वो सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री और हम मंत्रीगण सभी लोग तैयार हैं। आप सदन के अंदर आप बातों को उठाएं और उनका जवाब उन्हें दिया जाए।